वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, चाहत हो चित में
सोई की जय। सारी संगत गज के बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु जी। शिवा परमोहे है शुभ कर्मण ते कबहू ना डरो ना डरो अरसो जब जाए लो निश्चय करे अपनी जीत करो। अपने हाथी बेटा
ਘਰ ਦੇ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਕੇ आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी ऐदा शायद या किसी नूं आवाज मारी होवे किसी ने जिदा गुरु अमरदास महाराज ने आवाज मारी आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन पवित्र मुबारक चरणा अंदर सुबाईमान होके
साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश गुरपुरब मना रही गुरु की सन्मान युग संगत, मन बिरती एकाग्र करो, दोवें हाथ जोड़ो, सीस चुकाओ, इको वार कहते आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पला। फतेह गज के बुलायो, जिहड़ी संगत गुरु के पंडाल अंदर बैठी है उन्होंने भी खुला सद्दा है कि तुसी फतेह बुला सकते हो। जिहड़े पंडाल तो बार बार खलोते ने, जिहड़े घरां तो आ गए ने, शायद वो पहलां बैठे भी रहे, हुण काफ़ी चिर हो गया उन्होंने उठिया नूं, मैं बेनती करांगा सतगुरां दे पंडाल अंदर जे काफ़ी जगह है, जदों आपां सामने खलो जांदे आ तीन चार फुट की दूरी तो आपां काफ़ी तरीके नाल दिसदे आ, बड़ी वड्डी गिनती च आपां खलोते आ। सो एडा वड्डा तुसीं खर्चा कीता, एडा वड्डा प्रबंध कीता, इन्ने तुसीं पैसे दित्ते, वड्डियां उगराहियां दित्तियां। सो अज की रात सिर्फ सुन दी आ, किसी नूं कुछ दसण दी नहीं, तुहाडे वास्ते कि किसी नूं कोल सद के कि उरे आ मेरी गल सुन भाई मैं तैनूं आ दसा, ये काम कल तो शुरू हो सकता है, क्योंकि अज का काम सिर्फ तुहाडा सुनना है, कोई किदां दा बोलदा है, कोई किदां दा बोलदा है, उन्हां चीज़ां दा रिजल्ट कढ के अपनी जिंदगी च नचोड़ लैके आउणा, तुहाडा आ जिम्मेवारी आ। अज किसी नूं कुछ दसना नहीं, अज किसी दा सुनने वास्ते घरां तों आए जी। सुनने वाला बंदा दुनिया ते बड़ा महान है, जिन्हों सुनना आ गया ना वो लोग कभी मार नहीं खाते। सुनने वाले बंदे हमेशा ही दुनिया के उत्ते बड़े तेज तरार ने, जिहड़ा अपना ही बोली जाए भी मेरी सुनी जाओ, मेरी सुनी जाओ, मेरी सुनी जाओ, जिन्हों किसी की सुननी नहीं ना आती वो दुनिया ते लख सियाणप चुकी फिरे, लोग कहते चुप करके बह जा तेनों सुनना ही नहीं आता। अक्सर एक ना एक थान के उत्ते जाके तुहानू किसी की सुननी पवेगी ना, सुनना हर जगह ते लाजमी है। तुसी क्लास अंदर बैठे जे अध्यापक पढ़ाउंदा है जे सुनदे ही नहीं, तुसी इन्नी आखी जाओ भी असीं फीस पूरी दित्ती आ, साडियां किताबां पूरियां वा, साडा होमवर्क पूरा वा, बाकी तेरी सुननी नहीं, सारा दिन असीं बह के उन्हें आखना चल चुक जुली बिस्तरा ते क्लास चो बाहर हो, भाई जे सुननी नहीं ते बहना कड़ी गलो, सुनना इन्ना लाजमी। असीं घरां च परिवार दे मैंबर बैठे हुंदे आ, एक बंदा गल करी जांदा करी जांदा करी जांदा, जो गल खत्म होंदी ते जिहनूं सुणाउण दिया हुंदा कहिंदा दुबारा दसी आ, वी पहली उहने कंध नूं दसी आ, पहली वी ते तैनूं दसी, दो ही ते जाणे बैठे जे। जदों बंदा कहिंदा ना दुबारा दसी, दुबारा दसण दा इहो मतलब हुंदा वी शरीर तेरा उत्थे सी, मन किते होर भज्जा फिरदा सी। सुणन वाले बंदे बड़े महान ने, आपां रोज़ पढ़दे आ कहते पवित सुणते पुनीत, रब की गल करन वाले पवित्र हो सकते हैं पर रब की गल सुन वाले पुनीत होंगे, पवित्र ते पुनीत दो शब्द आ, लगते बड़े नेड़े नेड़े आ पर अर्थ बड़ा वड्डा इन्हां दोवां दा। मान लो असी स्टेज ते बोलने, तुसी सानू कह सकते जे भाई तुसी ते पवित्र जे, क्योंकि रब की गल कीती आ, पर जे रब की गल करन वाला पवित्र है ते रब की गल सुनन वाला पुनीत है, फिर तुसी आखोगे फर्क की आ तुहाडे च ते साडे च, तुसी पवित्र जे असी पुनीत हाँ, फिर तुहाडे च ते साडे च फर्क की हो सकता है? इहदा जवाब तुहानू श्री सुखमनी साहिब दे विचों लभूगा। पातशाह कहिंदे पवित्र 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 पुनीत, किसे बंदे नू तीन वारी पवित्र रखीए ते एक पुनीत बनता है, जाणी के जे रब की गल करन वाले पवित्र आ ते उहदी गल सुनन वाले पुनीत आ, साडे नालों तीन गुणा पावर सामने लैके तुसी बैठ जे तुहाडा आख्या रब भी नहीं मोड़ सकदा। इसे करके संगत नू काम धेन गऊ आख्या जांदा, संगत च खलो के जो मंग लईए दुनिया की हर चीज बंदे की झोली च पै जांदी। माध्यम दे राही कोई किते बैठा सुन रहा, करते सत संगत ही रहा है ना, सत संगत ओ जिथे सच दी विचार होवे उत्थे दुनियादारी दीआं गल्लां खत्म हो जांदियां, उन्हें सूट किदां दा पाया जी, उहदा आ मुंडा इदां करदा, उहदी नूंह इदां करदी, उहदे घर आ कुछ हुंदा जी, वह चीज़ां खत्म हो जांदियां ने, वह मायने नहीं रखदियां, उन्हें आ कुछ कीता, उन्हें आ बनाया जी, ये चीज़ां खत्म ने। संगत किते भी इकट्ठी कर लो, बैठे ने भाई सतनाम सिंह जी ज़्यादा जानते ने, चार बंदे बैठे जुआ खेडदे ने उहनूं वी लोकी संगत ही कहिंदे आ वी संगत बैठी आ, चार शराबी पग्गो पग्गी होण डिया कहिंदे संगत माड़ी आ, शब्द ते संगत ही आ गया ना, पर तुसी संगत रूप दे एक स्टैप अगे जाके बैठे हो, तुसी बैठे हो सत संगत अंदर आके, ते सत संगत दी डेफिनेशन की आ, सत संगत नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने किस तरीके नाल डिफाइन कीता है, पातशाह कहिंदे ने सत संगत कैसी जाणी है जिथे एको नाम बखाणी है।
सत संग तुहानू कहिंदे जिथे सारियां गल्लां खत्म हो जांदियां ने सिर्फ ते सिर्फ सच की गल हुंदी है। सच की गल सुन वास्ते तुसीं घरां तों आए जी, नींदरा चाकिया बिस्तरियां दा आनंद भी छड्डिया, ते जे इत्थे आके अखर ना पल्ले पवे फिर कोई बंदा आखूगा भी मेरी रात उदां ही चली गई। एक शब्द हो रहा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर, अपने सारिया से ढुक जाना, ताडे ते भी ते साडे ते भी, अपने चो कई यह हो कि रात जागे यार पता नहीं कोई अर्थ यदा निकलना कि नहीं निकलना, एवें तो नहीं खाली तो नहीं चला जाऊगा। पातशाह गुरदेव की बाणी कहती है जागना जागन नीका, नीका कहते चंगे नूं, कहते जागो, जागना बहुत चंगा है। रात नूं कुछ कैटागिरियां ने जिहड़ियां जागदियां ने, चोर रात नूं जागदे आ, कुत्ते रात नूं जागदे आ, हस्पताल दे बैड ते पिया मरीज भी रात ही जागदा है, जिहने सारा टब्बर उहदे कोल हुंदा रात नूं, कोई कोल नहीं हुंदा रात नूं मंजे ते हाए हाए करन दिया हुंदा, पर उहदे नालों भी इह कुत्ते गल हैगी आ, उह रब दी बंदगी करन वालियां रूहां रात नूं जागदियां ने, उहनां दा जागिया खाली नहीं जांदा। जागना जागन नीका हार कीर्तन में जागना, जेडे रब की इबादत करद जागते हैं उन्हों का जागया कभी खाली नहीं जाता। मत कोई भरम रखे भी इतने बैठा तो डगदे एवं ही चला जाऊगा। तुम सारी रात तीन घंटे फिल्म वेखो टीवी के उत्ते, मैं लिख के देने गरंटी तैयार हाँ, टीवी का स्विच बंद कर लगा तुम मत्थे हथ मारोगे एवें जागे यार। तुम सारी रात मोबाइल के उत्ते कोई फिल्म वेखते रहो, इंस्टाग्राम चला रहो, फेसबुक चला रहो, बंद कर लगे घड़ी वेख के कहोगे लान ते भाई तेरे ते तू सारी रात ही इदा कट दी, पर इतों उठ के जान लग्या तुहानू एक मिनट का पछतावा नहीं होगा, एक मिनट का पछतावा। मंजे ते लम्मे पाओगे तुहानू गुरु का सरूप चेते आऊगा, संगत चेते आऊगी। सो फतेह गज के बुलाओ, कोई भी रसना वांझी ना रहे, जिथों तक भी आवाज जाती है समा बहुत कीमती है, कीमती समय की कदर करनी है। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समा मैनू दस दिता है मेरे बहुत ही सत्कारयोग छोटे वीर भाई गुरप्रताप सिंह सुगा दल पंथ हजूरी बाबा बिधी चंद साहब जी के पवित्र अस्थाना के हजूरी ढाडी ने, मेरे सरनावे भी ने, उन्होंने समय की हदबंदी मैनू दे दिती है। उस हदबंदी अंदर रह के मैं किसी योधे सुरबीर बहादुर की दासता, मैं कुदरती सबजैक्ट कोई होर लैके तुरिया सड़ा, प्यार कह लो माण नहीं मैं करता, असी कभी स्टेज के थले खलोत्या तैयारी नहीं की भी घरों आह चीज़ जाके लाइनियाँ, सानू पता सानू पैर ते खलोत्या बदलना पै जाता, दुकान च इन्ना क सौदा जरूर रखी दा भी कोई आखे भी आह नहीं तो आह दे दौ उन्होंने देने वाले तो बनी है घट्टो घट, जो सौदा ही उन्ना को हो आखे नहीं भाई है ही कख नहीं साढ़े को। मैं बेशक तैयारी कोई होर करके आया सा, उत्थे मैनू कुछ गुरमुख प्यारे मिले, वो कहिंदे असी चले चले स, पर तुहानू वेख के रोके आ, साडे मन की एक रीझ एक प्रसंग साडे नाल सांझा कर दिओ। मैं कहा जी संगत का हुक्म सिर मत्थे उत्ते कुदरती हवा ही इदा दन जाती है बंदे दे दिमाग अंदर भी मैं वह गल करा। बेशक मैं एक प्रसंग लेके आया सा भी कभी साढ़े वड वडेरिया ने अपने पट का मास चीर के भी एक दूजे को खुआया, मैं उदासना कहनी चाहता सा पर फिर कित कहे जो हुक्म मैनू संगत आया घड़ी के मुताबिक मन बिरती गुरु ग्रंथ साहब ना जोड़ियो, कन्न स्पीकर ना रखियो, आप बात पाउनी आ हुंगारा तुसीं दई जाना है, आप छेती दे नाल इस प्रसंग नूं कहना भी है ते रिजल्ट भी रखना। एक बार सारी संगत आखो नानक नाम चढ़दी कला। आस्ट्रेलिया तो एक रसाला निकलदा है, उन्हें 2015 दे अंदर वर्ल्ड दे टॉप 10 जरनैलां दी लिस्ट बनाई सी, उदो असीं कनेडा सां, उत्थे ओह मेरे हाथ अखबार दी लिस्ट आई, उहदे अंदर मैं पढ़िया सी आस्ट्रेलिया दे उस रसाले ने 2015 के अंदर दुनिया के 10 महान जरनैलों की एक सूची तैयार की थी। भी कि बंदे 10 आ जिन्होंने असी दुनिया के टॉप 10 जरनैलों च रखिए भी ये तो है ही अगे कुछ नहीं। नपोलियन बोनापार्ट का नाम भी रखिया, फ्रांस का सम्राट होया, उन्होंने चंगेज खान का जिक्र भी किया, वड्डियां वड्डियां का जिक्र किया, 2 तो लैके 10 तक उन्हें नंबर भर लिया, पर जो पहला नंबर भरन की वारी आई आस्ट्रेलिया के उस रसाले की निगाह पंजाब की धरती के उत्ते गई। उन्होंने दुनिया के पहले नंबर का जरनैल जो खिताब देना है किसी उन्हें पंजाब की हिस्टरी पढ़िया, तो पढ़द पढ़द दुनिया के सामने एक नाम रखिया कि आ शख्स आ ज
जिन्हों साडी निगाह अंदर दुनिया का पहले नंबर का जरनैल मनिया जाता वह ना की है मैं बाद च दसदा एक मिनट एक तत् होर दस दिया तुहानू 1792 दे विच इंग्लैंड तो एक अखबार निकलता सी टिट बिट्स वह अखबार हुण नहीं निकलता उदों वट्सएप नहीं सी हुंदा जीमेल ईमेल कुछ नहीं सी हुंदा मोबाइल नहीं सी हुंदे वह जिहड़ा इंग्लैंड तो अखबार निकलता सी उन्होंने एक इश्तिहार दिता भी असी दुनिया के 100 महान जरनैलों की लिस्ट बनाउन लगे हाँ आस्ट्रेलिया वालिया ने 10 की बनाई सी इंग्लैंड वालिया ने 100 की बनाई सी असी 100 महान जरनैलों की लिस्ट बनाउन लगे हाँ एक महीने बाद रिजल्ट देंगे सारी दुनिया के सानू चिट्ठियां पाओ कि अदा ना इन्ने नंबर से जेदे ना दिया ज्यादा चिट्ठियां होगी असी मुताबक असी ना बना देंगे ना आए एक महीने बाद इंग्लैंड की टिट बिट्स अखबार ने एक अनाउंसमेंट की अखबार अंदर जो दुनिया का पहले नंबर का जरनैल 100 के चुनना से वह भी एक ताडा ही वड वडेरा से मैं दोवों का जिक्र कर लगा दोवें एको ही ने तत् दो ने 2015 के आस्ट्रेलिया तो छपन वाले उस रसाले ने दुनिया के टॉप 10 जरनैलों के जिन्हों पहले नंबर पर रखिया वह नाम से सरदार हरी सिंह नलूआ इंग्लैंड तो छपन वाले टिट बिट्स अखबार ने 100 जरनैलों की लिस्ट अंदर जिन्हों पहले नंबर के उत्ते रखिया उहदा नाम ही सी सरदार हरी सिंह नलूआ सिख फौजां दा चीफ इन कमांडर जिहदे वर्गा ना कोई होया ते ना शायद कोई होवेगा सरदार हरी सिंह नलूए का नाम नलूआ क्यों पैंदा है उहदा इक कारण है एक राजा नल होया है राजे नल ने कहिंदे ने हाथी शेर का शिकार किया हत्था नाल शेर मारिया सी ते जदों हरी सिंह महाराजा रणजीत सिंह की फौज अंदर भर्ती होया ते बहुत छोटी उम्र विच सी जदों जंगल विचों एक शेर ने इहदे उत्ते हमला किया इन्ने भी वह शेर अपने हत्था दे नाल मारिया सी जदों शेर हत्था नाल मारिया ते लोगों ने शाबाश देखिया आख्या वाह हरी सिंह ये तो राजे नल वाली करके विखाई हो उत्थे उहदी अल पै गई उहदा नां पै गया राजा नल वाह नल वाह का मतलब नल वर्गा नल वाह तो बदलता बदलता इहदा नां पै जांदा नलूआ नलूए का मतलब है हत्थी शेर मारन वाले नूं हरी सिंह नलूआ कहा जाता है वह किड्डा बहादुर है किड्डा योधा है किड्डा जरनैल है मैं किसी पंजाबी इतिहासकार का जिक्र नहीं कर लगा मैं कर लगा हाँ अंग्रेज इतिहासकारां का जिक्र मिस्टर कनिंगम वर्गे मैक्स आर्थर मैकालफ वर्गे वह मन्ने ने वह कहिंदे ने कुदरत राणी ने सरदार हरी सिंह नलूए नूं जिंदगी दे कुछ साल घट दिते ने जिन्नी तेजी दे नाल वह पछम वल नूं वध रहा है अफगानिस्तान की सरहद उत्ते झंडे चला रहा है जे रब ने उन्हें 5-7 साल होर दिते होंदे ते हरी सिंह ये मादा रखता सी जेड़ा अंग्रेज पंजाब वल नूं वध रहा सी हरी सिंह पछम वल नूं वध के यूरप दे विच भी झंडे चला सकता सी वह इन्नी काबलीयत का मालक सी ये मानते ने अंग्रेज इतिहासकार सरदार हरी सिंह नलूआ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दीआं फौजां दा चोटी दा जरनैल वह पिशावर का गवर्नर बनिया उन्हें पिशावर दे विच एक किलियां दी एहो जी कतार बनाई जिहड़ी कतार अज तो पहला पठानियां ने नहीं सी वेखी पठाणा ने नहीं सी वेखी पठाणा दा की काम सी मुठ्ठी भर पठान आउणे हिंदुस्तान दे मंदर ढा के इथों दीआं खूबसूरत बहू बेटियां बन के गजनी दे बाजारां च टके टके ते जाके वेच देणियां हरी सिंह नलूए ने हिक दे जोर नाल उह राह बंद करके विखाया कहिंदा जे हिम्मत आ ते आ राह टप के विखाओ उन्हें राह बंद कर दिता जेड़े पठान दुनिया मानती सी किसे कोलों हारदे नहीं तुहानू इस गल का फखर होवेगा तुहानू इस गल का माण होवेगा कि सरदार हरी सिंह नलूए ने पिशावर विच जमराउत का किला बनाउन लग्या उन्हां पठाणा दे कोलों एक मुठ छोलियां दे नाल सारे दिन की दिहाड़ी करवाई उन्हां कोलों जेड़े पठान किसे दे ईण नहीं सी मन्निया करदे ये हरी सिंह नलूए दे हिस्से आया सी सरदार हरी सिंह नलूआ हो गया बीमार बीमार इन्ना हो गया कि डॉक्टर वैद हकीमा ने मना कर दिता कि शेरे पंजाब का जरनैल हरी सिंह नलूआ मंजे तो उतर के जंग च जावे किते बाहर जावे उहदी मौत दे सीधे सीधे कारण बनगे क्योंकि हालत इन्नी माड़ी है जदों जरनैल बीमार हो गया तो घर के भेतियां ने दुश्मन नूं खबर की उन्हें खबर करके आख्या आओ नलूआ सरदार बीमार है
करो पंजाब दे उते हमला, करो पेशावर दे उते हमला, नलुए सरदार दी बीमारी दा चुको फायदा। एक बारी तुसी पेशावर जित लिया, जमरौद जित लिया, लाहौर तुहाडे तो दूर नहीं, ते जे तुसी लाहौर तक पहुंच गए ते लाहौर तो अगले बन्ने सारा हिंदुस्तान माता दा माल बैठा वा। वह मंदिरां च टल्लियां खड़काउण वाले आ, वह तेगां खड़काउण वाले नहीं हैगे। मिर्जा सम्मी खान नूं दोस्त मुहम्मद खान ने 40,000 फौज दे के पंजाब की धरती नूं रवाना किया। दरिया लुंडा पार करके उन्होंने जमराव के किले नूं आके घेरा पाउण दा यतन किया। सरदार हरी सिंह नलूआ उत्थों कुछ किलोमीटर पेशावर के किले च बैठा ते बीमारी की हालत अंदर। बार्डर के उत्ते बहुती फौज नहीं हैगी क्योंकि पेशावर बार्डर आ सिख राज दा। तुसीं आखोगे फौज कित्थे गई बार्डर तों? असल में महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे कंवर नौ निहाल सिंह दा विआह सी, बरात जानी सी अटारी। सरदार श्याम सिंह अटारी दी धी बीबी नानकी दे नाल उहदा विआह होना सी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर आउणे ने, शेरे पंजाब चाहुंदा सी कि वध तों वध फौजी ताकत अंग्रेजां नूं विखाई जा सके, इस करके बार्डरां दे उत्तों भी फौज चुक के ते अमृतसर लियांदी सी। बार्डर खाली पए सी, एक बार्डर खाली पए, एक नलूआ सरदार बीमार पिया। दोस्त मुहम्मद खान का भेजा होया मिर्जा सम्मी खान दरियाए लुंडा पार करके उन्हें जमराव के मैदाने जंग अंदर पहुंच के अपना हरे रंग का हैदरी झंडा चलाया। किले के बैठा सरदार मां सिंह मीरपुरिया, उहदे कोल 1,000 खालसा पंथ है, सिर्फ 1,000। सरदार मां सिंह ने अपने 1,000 बहादुरों नूं आख्या, बहादुरो नलुआ सरदार बीमार बैठा है, साढ़े वास्ते चमकौर की गढ़ी वाली गल बन लगी आ, जां तख्त जां तख्ता, तुसी दिन रात देख करके खालसे राज दे झंडे चलाए ने, अज वड्डे वड्डे पठान तुहाडा पानी भरदे ने। मैदाने जंग अंदर 50,000 की गिनती च पठान पहुंचे है, साडी गिनती 1,000 है। जिन्ना चिर साढ़े साह चलते ने, जिन्ना चिर साढ़े खून चलता है अंदर, उन्ना चिर साढ़े चो एक बंदा भी हाथ खड़े नहीं करेगा, मैदाने जंग चो पिठ दे के नहीं जाएगा, जिन्ना चिर गुरु बाबे ने सुवास बख्शे ने मैदाने जंग च जूझांगे। ये होंगे लीडर के गुण। लीडर वह नहीं हों जरा दूजिया मावं के पुतों बली के बकरे बना के अगे ला के आप पछाण निकल जाए जो साढ़े ना अच वापर रहा। जरनैल वो आगू वो जड़ा लोड़ पैण ते फट अपनी छाती च खाने जाता है। आगू बनू तो सार्या का जी करता भी मैनू प्रधान बना दो, मैनू सैकटरी बना दो, मैनू खजानची बना दो, मेरे अगे लगा बड़ा सोहना लगता। पर आगू वो जड़ा बिपतां का बोझ भी अपने मोढ़िया ते चुकना जानता हो, उदों बगानिया मावां दे पुतां दे मोढ़िया ते ना रखनिया जानता हो। आगू वो जड़ा हर मुसीबत अपने आप ते झले ते दूजियां नूं बचाउण दी कोशिश करे। पंथ ते मुसीबतां दा जदों कोई पहाड़ टुटे, वाह वाह, बिरला मैदान विच आवे आगू कोई कोई, जुल्म अन्या वाले डिगदे ने गोले, जदों मूरे होके छाती विच खावे आगू कोई कोई, पंथ वाला मेरा जदों टको डोले खान लगे, चप्पू लाके सूरमा बचावे आगू कोई कोई, आगू अखवाउणा तां सितारिया है बड़ा सौखा, आगू होके फर्ज निभावे आगू कोई कोई, आगू होके फर्ज निभावे आगू कोई कोई। एक बने 50,000 दा घेरा, एक बने सरदार महा सिंह दे कोल 1,000 गिनती च सरदार। सरदार हरी सिंह नलुआ कुछ किलोमीटर की वेथ ते पिया है बीमार। उहदे पहुंचण तो पहला सरदार महा सिंह मैदाने जंग अंदर आया है, 1,000 योधियां दे समेत आके उन्हें मिर्जा सम्मी खान नूं मैदाने जंग च वंगारन दा जतन।
ਮੈਂ ਮਾਲਕਾ ਹੋ ਉਠਾਂ ਤੇਰੀਆਂ सारी संगत सीस चुका के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मेरे सामने बैठे ने बहुत अजीज भाई कुलविंदर सिंह जी पंडोरी हसन तो दिली प्यार है बहुत लंबे समय तो ढाडी कला ना दिली सत्कार करते हैं। मैंने एक गल कह के गए नाले अरदास करा के गए ने माया के रूप अंदर वो कहें ढाडी सिंह जिहड़ी भी कविता लाउण उहदा नाम जरूर दस दिओ उहदी वनगी की है उहदी रूपरेखा की है।
एक वधिया चीज है क्योंकि एडा वड्डा प्रोग्राम तुसी पैसे इन्ने लाए आ ते जे वनगी कोई ना सांभी गई क्योंकि जिथे आप जवानी नू सांभना उथे इस कला नू भी ते सांभना भावें ढाडी है ते भावें कवीशरी कला ढाडी सिंघां ने जिहड़ी शुरुआत अंदर वनगी कही सी उहनू कली कहा जांदा है कली जोड़े की कली एक गाउण वाला कलियां गा गा के कलियां दा बादशाह बन गया कुलदीप मानक उहनू कहिंदे कलियां दा बादशाह चीजा ढाडिया दियां गा गा के कलिया का बादशाह बन गया असी कहने भी नहीं साडा धूम धड़के तो बिना गुजारा कोई जिहड़ी दूसरी वनगी तुसी ढाडी सिंघां पासों हुण सरवण कीती इहनू कहिंदे वार दुल्ला दुल्ले दी वार जिदा रागी सिंह कीर्तन करते ने अमृत वेले आसा की वार गाते ने तर्ज होंगी टुंडे अस राजे की धुनी वो एक चाल है वो एक तरीका है एक तर्ज है पर जेकर ढाडियां दे कोल वार दुल्ला ना रवे तो शायद वह ढाडी नहीं रवेगा ढाडी खवाउण दा हकदार जिहदे कोल वार दुल्ला ही नहीं है यह मां है ढाडी कला की जिहड़ी तुसीं ढाडी सिंघां दे कोलों हुण वणगी दे रूप अंदर सरवण कीती इसे तरह जो जो मैं तुहाड़े सामने बिने करांगा मैं नाल दी नाल हुंगारा भर के तुहानूं दसदा जावांगा एक बार सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी मैदाने जंग विच आके सरदार मां सिंह ने वंगारिया सारे दिन की लड़ाई हुई गए गज लड़ाई हुई एक बने पंजा हजार एक बने एक हजार शामा दा सूरज डुबा पठाणा दियां तोपां ने जिथे सिखां दा नुकसान किया उथे जमराव दे किले दी कंध विच इक बड़ा वड्डा पाड़ पा दिता तोपां ने अपने गोले वरसाए तोप शब्द बड़ा सिंपल जिहा है पर इहदी वी इक विचित्र कहानी है मैं दस ही जावां तुहानूं सब तो पहला तोप की खोज नहीं हुई तोप च पैण वाले बरूद की खोज हुई है इहदा नां सी गन पाउडर यह 1034 दे विच चीनी लोगों ने बनाया सी सब तो पहला उदो तोपां नहीं सी बनाईआं वह गन पाउडर एक सच्चे च पा के किसी उत्ते सुट देंदे सी उहनूं अग ला देंदे सी बंदे नूं अग लग जांदी सी क्योंकि बरूद सी फिर उन्होंने एक सौखा तरीका लभ्या भी गन पाउडर की मार जिहड़ी आ दूर तक करनी आ इहदे वास्ते उन्होंने एक तोप तैयार कीती गन पाउडर उहदे विच पाया जांदा है उहनूं मगले बन्ने पलीता दागिया जांदा फिर वह दूर तक जाके लोगों के उत्ते डिगदा सी जिहदे नाल लोगों का नुकसान हुंदा सी सब तो पहली तोप चीनी लोगों ने बनाई तोप चीनियां दी काढ़िया फिर हौली हौली चीनिया ने तोपा विकसित कीतियां जिहड़ियां पुराने जमाने च तोपा सी उह बंदे मारन नूं नहीं सी बनियां जां ते उह कंधा कुंधा ढाउण वास्ते सी जां खड़ाक करन वास्ते सी इस तों वध काम नहीं सी इहनां दा एशिया की सब तो वड्डी तोप जयपुर दे विच पई आ अज वी हैगी मैं पढ़ के हैरान हो गया वह जिहड़ी तोप चलदी है वह अठ हाथी उन्हूं इको वारी खिंचण ते एक पासे तो दूजे बन्ने कीती जांदी है एडी वड्डी ओह तोप सी ते मैं यह भी पढ़ के हैरान होया वी ओह सिर्फ इको वार चली है दूजी वारी ओह तोप नहीं चलाई गई उहदा इक कारण सी उहदा खड़ाक इन्ना ज़्यादा सी कि जदों ओह पहले दिन चली जिथे जिथे लागे बन्ने उहदे घर दे विच औरतां रहिंदियां सी जिहड़ियां गर्भवती सी जिन्हां दे बाल होण वाला सी इन्ना ज्यादा खड़ाक होया कि वह बच्चे उन्होंने पेट अंदर ही मारे गए इन्ना ज्यादा खड़ाक से उस तोप का वह तोप मुड़ के उस दिन तो बाद बंद कर दी गई एक तोप बनाई अहमद शाह अबदाली ने हिंदुआ के घर कैं ते पित्तल के भांडे कट्ठे करके उस तोप का नाम रखा गया जम जम उहदे उत्ते लिखा सी पीकरे अजदाह आतिशबार फारसी दे विच इहदा मतलब सी अग सुटण वाली वह तोप बहुत वड्डी सी वह अपने देश खड़ ना सकिया ते वह जिहड़ी जम जम तोप अबदाली ने बनाई सी जदों पंज वड़ दे रहण वाले भंगी सरदारां दे हाथ लगी ते उस तोप दा नां पै गया भंगियां वाली तोप जिहड़ी अकाली बाबा फूला सिंह ने मुड़ के मुल्तान दे किले च चलाई खड़ी इह तोपां दा इतिहास पठाणा ने अपनियां तोपां दे मूंह खोले शामां दा सूरज डुब्या जमराव दे किले दी कंध च पाड़ पै चुका सी जंग बंद होई पठाना नूं भरोसा सी कि मदद किसे बन्नों आउणी नहीं नलूआ सरदार बीमार बैठा है ना उन्हों कोई दसन वाला ना कोई पुछण वाला असीं जमरौद जित लिया ते कल छामां नूं पेशावर अहीं पहुंच जाणा है हरी सिंह नलूए दा सिर वढ के असीं नेजे दी नोक ते टंगांगे इह पठाना दा भरोसा है उन्हां तैयारियां कर लिया कि सवेरे सूरज की पहली किरण धरती ते डिगे असीं जमरौद दा किला ढा देणा है आओ हुण किले दे विच वेखो की हो रहा है इहदे बाहर दी तैयारी है अंदर बैठा सरदार मां सिंह कहिंदा बहादुरो धन्नवाद है तुहाडा तुसी अज सारा दिन जाना हूल के लड़े हो आओ कंध च पाड़ पै गया
ਮੈਨੂੰ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਦਾ ਪਾੜ ਪੂਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦਾ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋ ਹੋਰ ਉੱਠੋ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਖੱਤ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਜਮਰਾਓ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲੇਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਇਹ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਠਾਣ ਪਏ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਲੜਕੀ ਖੋਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਡਿਤ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੁਹਾਈ ਤੇਰੇ ਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟਾ ਸਟਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1500-1600 ਜਾਣੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਲੱਤਾਂ 4 ਸੀ, ਬੰਦੇ 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਾਲੀ ਇੰਨੀ ਜਰਾ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਓ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਆ, ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਮਾਂਝੀ ਕਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਪਿੰਡ 5 ਵੜ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰੀ ਸਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਰਵਾਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਛਡਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਮੜ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ? ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਪਰਖਣਾ ਪਊ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਤ ਸੱਤ 'ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਤ ਸੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਉਹ ਪਰਖੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੱਤ ਸੱਤ 'ਚ ਪੱਕਾਊ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਤ ਸੱਤ ਪਰਖੋ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੱਤ ਸੱਤ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਖੂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇਗ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜੱਤ ਸੱਤ 'ਚ ਪੱਕਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੱਤ ਸੱਤ 'ਚ ਢਿੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜਜਮਾਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰਾ ਖੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਅਫਰੀਦਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ, ਅਫਰੀਦੀ
एक तबका है पठाना दा, बड़े जरवाने ते बड़े बहादुर जोधे अफगानिस्तान दे एरिए च पेशावर दे विच अफरीदी पठान गिने गए ने, बड़े जुझारू ने। उन्हें अफरीदना वाला भेस बटाया, तेज तरार साने लई फौजा नू चीरदी होई और रातों रात पेशावर पहुंची। दरवाजा खड़काया, दरवाजा खुलिया, पछाणन वाले ने आख्या हरशरन कौर तू? उन्हें आख्या हाँ, मैं सरदार हरी सिंह तक पहुंचना। हरी सिंह नलुए दे कोल लिआंदा गा, ओ हरी सिंह नलुआ जिहड़ा कदी हाथ नाल शेर मारन दी जुरत रखदा, अज इन्ना बीमार सी कि उहनू सराणे दी ढास ना ला के ते बड़े तरीके दे नाल मंजे ते बिठाया गया। शरीर नडाल हो चुका सी। सामने बीबी हरशरन कौर नूं तकिया, बीबी ने हथ जोड़ के आख्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग पिता जी, मैं तुहानूं दस कुछ नहीं सकदी की करन वास्ते आई हाँ, आ चिट्ठी पढ़ो, आ खत पढ़ो, इहदे च सारा कुछ ही लिखिआ। सरदार मान सिंह ने आखिरी लाइनां लिखियां सी, सरदार साहब जी चिट्ठी लिखण तक कंध दा पाड़ पूरिया जा चुका, अद्धे तो ज्यादा मुंडे कंध दा पाड़ पूर रहे ने। 750 बंदा असीं विच बचे हां किले दे, कल एक निर्णायक जंग होवेगी, क्योंकि बोरियां ने बहुता चिर तोपां नूं डकना नहीं, असीं कंध दा पाड़ तो बोरियां नाल पूर रहे हां, ओह बहुता चिर डकियां नहीं जाणगियां, पर फिर भी जिन्ना चिर साडे साह चलदे ने असीं जूझांगे। साडी आखरी बेनती है, जे वाह लगदी है तां इक वारी मैदाने जंग च जरूर पहुंचो, तुसीं लड़ोगे भी ना खलोते ही होगे, जित साडी होवेगी, क्योंकि हरी सिंह नलुआ लखां दे उत्ते कल्ला पारूगा। उस मर्द दा अपना एक रोब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आया महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलण वास्ते, अंग्रेज अफसर। वो आके कहिंदा महाराजा साहब, मैं सुनिया तेरी फौज च एक हरी सिंह नलुआ नां दा मुंडा वा, उदो जवानी च सी पूरा, विखावेंगा कौन आ? कहिंदा कल विखावांगा। दरबार लग गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक बह गया। पहले नंबर उत्ते सरदार निधान सिंह पंज हथा लंघिया, बड़ी चढ़त सरदार दी। गोरा कहिंदा हरी सिंह नलुआ? शेरे पंजाब ने आख्या नहीं। फिर महाराजा खड़क सिंह नंगिया, महाराज का वड्डा पुत कवर खड़क सिंह नंगिया, उहदी चढ़त उहदे नूं भी जादी। कहिंदा हरी सिंह नलुआ? कहिंदा नहीं। फिर शेर सिंह नंगिया, कहिंदा हरी सिंह नलुआ? कहिंदा इह भी नहीं। फिर धन्ना सिंह मलवई नंगिया, कहिंदा हरी सिंह नलुआ? कहिंदा नहीं। गोरा खिज गया थोड़ा जिहा। हुण पंजवें नंबर ते वाकई हरी सिंह नलुआ आ गया। इन्नी चढ़त सी सरदार दी, लॉर्ड विलियम बेंटिक अपनी कुर्सी की बाही नूं हथ पा के अद्धा कुठिया, कह लगा हरी सिंह नलुआ? शेरे पंजाब ने मखौल करने मारे ने नाच सिर फेर के आख्या नहीं, हरी सिंह नलुआ नहीं। गोरे ने अपना टोप ला के वगा के धरते मारिया, अपने वाल पुट के कहिंदा अगर जे हरी सिंह नलुआ नहीं तो दुनिया में हरी सिंह नलुआ है कोई नहीं, या हरी सिंह नलुआ नहीं। कहिंदा इहो जिहा कोई नहीं। गोरा नगिया होया, जेब चो सोने दीआं मोहरां कढ के अगे कीतीआं, कहिंदा परख कर लां इहदी। कहिंदा कर ला। सोने दीआं मोहरां कढ के दित्तीआं, सरदार ने मसल के गोरे वल सुट दित्तीआं। गोरा वापस आया, शेरे पंजाब कहिंदा की परख कीती? कहिंदा मैं परख कीती आ वी साडे नाल रल जा, सोने नाल लद देंगे। कहिंदा जवाब की मिलिया? कहिंदा मसल के रख देंगे, सानू खरीदण वाला कोई जम्मिया नहीं। कहन लगा शेरे पंजाब, जिन्ना चिर तेरे को आ बंदे आ ना, पंजाब की वाह वल कोई नहीं वेख सकता, ये बंदे सांभण वाले। अज भी सिखां च इक कमी आ, असीं अपने हीरे नहीं सांभदे, असीं अपने जरनैल नहीं सांभे, असीं अपने योधे बहादुर सूरबीर नहीं सांभे। भंग दे पहाड़े मरवा के असीं उन्हां दे भोगां ते लखां दा कट्ठ करके लंगर खा लिया, ते मुड़ के नारे ला दे तेरी सोच ते पहरा देंगे, ठोक के जिदनों आंदा ही तुरो नाल उदन ही घरां चों नहीं निकले बाहर। ना बाबे संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले नाल निकले सां, घट निकले सां, जदों निकलने चाहीदे सां उदों असीं उहनूं गदार कहिंदे सां। इह साडी बदकिस्मती आ। लीडर दो तरह का होंदा, एक लीडरी होर तरह की होंदी, एक धार्मिक लीडर होंदा। मास्टर तारा सिंह वर्गे धार्मिक लीडर आ, असीं उहनां नूं राजनीति च नहीं वाड़ सकदे। राजनीति च वाड़ना सी बाबे खड़क सिंह नूं, असीं उहनूं पछां कर दिता। मुसलमान पाकिस्तान किदां लै गए? उहनां कोल मुहम्मद अली जिन्ना सी, उह रज के शराबी सी, रज के वेशवा दा उह नाच वेखदा सी। पर मुसलमानां नूं पता सी भी राजनीति दा एहो ही घराटिया वा, जे वखरा मुल्क दवा सकदा ते एहो ही बंदा दवा सकदा वा। उहनां कोल होर भी धार्मिक बंदे हैगे, उहनां कोल तुसीं धर्म दी गल करो, डांग खड़काउण दी काम मुहम्मद अली जिन्ना करूगा। साडे च आ कमी आ कि जिहड़ा बंदा जे उह सिखी पहरावे च नहीं आया, तां इहनां ने लै वी तेरे ते पल्ले कख नहीं, तूं थोड़ा साडा हैगा, तूं गांह आ तुरिया जा।
ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੱਲ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਉੱਠੇ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਚ ਵਿਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਰੰਗ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ, ਜੇ ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਆਸਦੇ ਤੇ ਮੋਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰੂ, ਬਾਲਣ ਗੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਣੀ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਓ, ਜੱਫੀ ਚ ਲਓ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਥੋੜਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਛਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਚ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਗਾਤਰਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਅ ਨੇ ਠਾਂ ਉਹ ਉਂਗੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਖੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਖੱਤ ਪੜਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕ, ਬਿਮਾਰੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡੀ ਮਰਦ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਪਈ, ਮਰਦ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਪਲੰਘ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੰਥ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆ ਸੋਚ ਕਰੋ, ਘਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਭ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕਪੱਤ ਲਵੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਲਵੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਪੱਤ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਆ ਥੱਲੜ ਦੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਗਲਤ ਆ ਭਾਈ, ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ। ਮਰਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ, ਰੱਖ ਰਕਾਬੇ ਪੈਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਮਜਣੂਆਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾ
ਜੋ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਣਗੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਾ। ਸਾਕਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਡ ਦੀ ਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਗਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਕਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੜੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਣੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਣੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਤੱਕੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਠਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦ ਹਮਲੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦਾ ਪਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਹਾਦਰੋ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਗੂੰਜਦੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਖਸਮੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਖਸਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਵੱਜੀ ਜਾਣ ਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ। ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਢਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲ ਲਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਖੜੇ ਪਠਾਣ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਫੱਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਪਤੰਗ, ਝੁਰਮਟ ਸਦਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਤਲ ਅੱਜ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਣਾ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਟੌਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੱਕਰੇ ਸਵਾਦ ਤਾ ਦਿਆ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਟੱਕਰੇ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਟੱਕਰੇ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਢਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਖਾਂ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਨਲੂਆ ਸਰਦਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਰੋ ਵਾਰ, ਲਾਓ ਚਾਹ, ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੰਮੀ ਖਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੜਦਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ,
पर अज पहली बारी भलवानी दे गेड अंदर उदा टाकरा हरी सिंह नलुए ना होन लगा सी। ओ हरी सिंह नलुआ जिहड़ा हथाना शेर पाड़न दा मादा भी रखदा सी। मिर्जा सम्मी खां ने पहला वार मर्द ते कीता, सरदार ने अपने तेग दे उत्ते रोकिया, खां जी एक होर। उन्हें दूसरा वार कीता, सरदार ने अपने ढाले ते रोकिया, खां जी पठान दे पोतो, पठानी मां दा दुध चुंगिया है, बहादुरां दी कौम। दो वार खाली गए ने, ऐदा वार खाली जांदे जाण जरनैल नूं चंगा नहीं लगदा, लो एक तीसरा वार करो, पर करियो बड़ा टकाने दा। उन्हें तीसरा वार कीता, तीसरा वार खाली गया। वार कदा खाली गया, मिर्जा सम्मी खां दी खान्यो जांदी रही। सरदार ने वंगार के आख्या, खां जी ऐदा नहीं, वार ऐदा नहीं करीदा जिदा तुसीं करदे हो, आओ तुहानूं वार करन दी जाइ दसां। मिर्जा सम्मी खां ने अखां बंद करके अपने खुदा नूं याद कीता, कहिंदा या अल्लाह मेरी किस्मत माड़ी सी, मैं नड़ूए सरदार दे सामने आ गया, एक वारी इत्थों भजा के लै जा, पक्का लै जा इत्थों भजा के, मैं जिंदगी च वादा करदा भी नड़ूए सरदार दे अगों नहीं नंगू कदी मैं। इन्नी कह के उन्हें घोड़े दियां वागां खिंचियां, घोड़े नूं अड्डी लाई ते मैदाने जंग चों भज्जण दी तैयारी की। सरदार ने मगरों आवाज मारी हास के, कहिंदा खां जी रुको, पंजाब की धरती से एक अखाण है, शरीक दे कर भाजी भेजिए ते न्योंदा डीकी दा है, साढ़े घर तीन भाजियां दे साढ़े को थोड़ा जा हिस्सा ते लैके जाना ही पैना ना, आर खलो जरा तो वार करन दी जाइ दसा। एक बन्ने मिर्जा सम्मी खां खलोता, सिख फौजां दे चीफ इन कमांडर सरदार हरी सिंह नलुए ने श्री साहब लहरा के आकाश अंदर पा के मथे ते गैरत दी त्यूड़ी लिया के अखां विच ला ली, घोड़े दियां रकाबां च पा के पूरे जोर दा भार मिर्जा सम्मी खां दे उत्ते इक भरवां वार। हे Thank you.
ਸੁਣਾ ਕਮਣਾ ਮਰਦ ਧਾਰਨ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਸਣਾ ਕਮਣਾ ਮਰਦ ਧਾਰਨ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਨਸਣਾ ਕਮਣਾ ਮਰਦ ਧਾਰਨ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਚਟਾਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕੇ ਦੋ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕਾਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਮਰਾਓ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਥੰਮ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
बहुत लंबा समा तकरीबन 12 घंटे तुहाडे कोल पए ने। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की बख्शिश हो जाए, जिंदगी चो नशियां दा कोड़ बाहर निकल जाए। ये ना गल क्या करो कि मैं कड़ा कुछ खाना पीना वा, मेरा तो अमृत ही अमृत। साढ़े जो बहुत यो कहें मैं कड़ा कुछ खाना पीना, मेरा अमृत ही अमृत है। दसवें पातशाह कुछ खाते पीते ही कि अमृत, उन्हें भी हाथ जोड़ के आखा भी मैनू दे दौ। यह गल् नहीं है, ये एक बहानेबाजी आ। इनू जिन्नी मर्जी दलील ना कट्टी जाओ, आप कट सकते हैं। गुरु कृपा करे, धन्यवाद धन्यवाद समुचे प्रबंध का, गुरमुख साउंड वीर का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव करने वाले इन्हों प्रोग्राम चलाने वाले निर्वैर टीवी, उन्होंने जिन्हें सहयोगी ने आजाद वैब टीवी वीर सतपाल सिंह, पंजाब 7 TV, सारे वीर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत ही सत्कारयोग छोटे वीर भाई गुरप्रताप सिंह सुग्गा, उन्हों का भी धन्यवाद। बड़ी जिम्मेवारी वाली सेवा प्रबंधक जिन्होंने उन्होंने झोली च पाई आ। सारे प्रबंध का बहुत बहुत धन्यवाद।